बुलडोजर को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है, आपका क्या ओपिनियन है? बुलडोजर सही चल रहा है या बंद? बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा चलना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा हमारी सरकार आएगी तो हम गोरखपुर में बुलडोजर चला देंगे। अभी नहीं आना चाहिए, उनका सरकार तो आएगा ही नहीं अभी 10 साल तक। इतना क्यों गुस्सा है अखिलेश? क्यों गुस्सा है, काम ही नहीं कोई अच्छा करते हैं। अभी जैसे अब रेडी पटरी लग रहे हैं उनके इलाज में हट जाता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं दबे कुचले गरीबों के ऊपर बुलडोजर, ऐसा नहीं हो रहा है। ये जो बदमाश थे गुंडे थे उसके ऊपर हो रहे हैं। कैसे और अब में कितना अंतर जो है आपको? 70% मतलब पहले की अपेक्षा में 99% ज्यादा। योगी आने के बाद हम लोग उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा हम लोग शांति से हैं, हंगामा कम होती है। 2027 में हम आएंगे तो हम गोरखपुर में बुलडोजर चला देंगे। कुछ नहीं करेगा अखिलेश, अखिलेश आके क्या करेगा? बुलडोजर चल नहीं सकता है, वो तो बोलने का बोल देता है लेकिन चलाएगा कुछ नहीं कर पाएगा अखिलेश, कुछ नहीं कर पाएगा अखिलेश। उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार बुलडोजर को लेकर राजनीति जारी है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार जहां एक तरफ गुंडे माफियाओं के ऊपर बुलडोजर से कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव का कहना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जो है वो गरीब दलित कुचलों को दबाने का प्रयास कर रहा है और कांग्रेस ने ये मांग कर दी है कि बुलडोजर न्याय बंद होना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने ये तक कह दिया है कि 2027 में अगर बनी सरकार तो बुलडोजर का रुख जो है वो गोरखपुर की तरफ होगा। सर क्या नाम है आपका? रविंदर कुमार। सर ये बताइए आज उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर से सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई चल रही है उस पर क्या कहेंगे? बढ़िया हो रहा है या रुक? बढ़िया हो रहा। नहीं लगता कि दबाया जाए? गलत चीज को वो हो रहा है तो क्लियर करके वो बुलडोजर चला दे रहे हैं, वो सही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं दबे कुचले गरीबों के ऊपर बुलडोजर, ऐसा नहीं हो रहा है। ये जो बदमाश थे गुंडे थे उसके ऊपर हो रहे हैं। कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार 2027 में आएगी तो हम योगी आदित्यनाथ जहाँ से आते हैं गोरखपुर में बुलडोजर चलवा दें। अरे फिर उनकी जांच हो जाएगी अखिलेश यादव की। प्रियंका वाड्रा कह रही हैं बंद होना चाहिए बुलडोजर, नहीं होना चाहिए, जो गलत हो वहाँ चलनी चाहिए या हर राज्य में चीज लागू होना चाहिए। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के अलावा कितना काम बढ़िया जो है वो योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया? नहीं काम तो हो ही रही है, जहाँ रोड का है जो भी हाईवे है ये सब काम हो रही है, लाइट का व्यवस्था है ये सब हो रही है। से और अब में कितना अंतर जो है आपको? 70% मतलब पहले की अपेक्षा में 99% ज्यादा। 99% नहीं लगता कि अखिलेश यादव या राहुल गांधी की पार्टी आती है तो वो ज्यादा अच्छा विकास कर सकते हैं? नहीं करेंगे वो, कुछ नहीं कर पाएंगे। और अभी आ भी नहीं सकते, लगभग मान के चलिए 20-25 साल अभी आना मुश्किल है। 20-25 साल योगी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अभी राजावत। अभी ये बताओ उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर चल रहा है उससे तो अवगत होंगे आप कि भैया आज उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है कैसा काम कर रही है, बढ़िया या? बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रही है। बुलडोजर को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है, आपका क्या ओपिनियन है? बुलडोजर सही चल रहा है या बंद? बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा चलना चाहिए। हाँ बहुत अच्छा काम। डरा रहे होगी जो बुलडोजर से? नहीं नहीं डरा नहीं रहे, काम भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं ना, काम के ऊपर भी बात है ना, काम अच्छा कर रहे हैं तो लोग को तो हो गई दिक्कत। अखिलेश यादव ने कहा हमारी सरकार आएगी तो हम गोरखपुर में बुलडोजर चला देंगे। अभी नहीं आना चाहिए, उनका सरकार तो आएगा ही नहीं अभी 10 साल तक। इतना क्यों गुस्सा है अखिलेश यादव? क्यों गुस्सा है, काम ही नहीं कोई अच्छा करते हैं। अभी जैसे अब रेडी पटरी लग रहे हैं उनके इलाज में हट जाता है, हर आम पब्लिक को दिक्कत देते हैं। अभी इनके सरकार में ठीक है, थोड़ा नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। बोल कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने चीज़ें खराब की हैं, पहले बढ़िया थी चीज़ें? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब वो हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है ना काम के लेके, अच्छा काम है, कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? पुलिस अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है सुरक्षा। संत ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रखी है, खुश है जनता? बहुत अच्छा, अच्छा कर रखा है, बहुत बढ़िया। कांग्रेस ने कहा बुलडोजर न्याय बंद होना चाहिए, जो बुलडोजर चला देते हैं योगी जी ये बंद होना चाहिए? नहीं ऐसा अब देखिए जहाँ गलत हो रहा है वहीं चला रहे हैं, ऐसा तो नहीं है हर जगह चला रहे हैं। जानबूझ के एक धर्म के लोगों के ऊपर, गरीबों के ऊपर? ऐसा ऐसा जाति धर्म कोई नहीं है, जहाँ पे उनको जही गलत लग रहा है वहीं कर रहे हैं, जाति धर्म कोई दिक्कत कहीं कुछ नहीं, जाति धर्म जरूरत है वहीं चल रहा है। 2027 में आ सकते हैं? बिल्कुल आएंगे, वो चुनाव का भी माहौल बन रहा है उत्तर? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा महिलाएं भी सुरक्षित हैं आज उत्तर प्रदेश? महिलाएं तो बहुत सुरक्षित है, बहुत अच्छा है महिलाएं के लिए कर रही है सरकार, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा है। क्या नाम है सर आपका? शंभु कुमार। आप मुझे बताइए सर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर चल रहा है वो बंद होना चाहिए या फिर चलता रहना चाहिए? नहीं वो तो चलता रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए जी। क्यों चलता रहना चाहिए? चलता रहना चाहिए, हम लोग यानी योगी आने के बाद हम लोग उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा हम लोग शांति से हैं, हंगामा कम होती है, अगर योगी ना रहे तो हम लोग के साथ पब्लिक के साथ बहुत परेशानी होती है, गलत हो जाएगा। पर
सर, लगातार तो आरोप ये लगते हैं कि उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया गया है सीएम योगी दत्तनाथ। नहीं है, आदमी के नज़रों में है, लेकिन आदमी अच्छा भी कोई नहीं किया है ना। जब जो बर्बाद करने के लिए कह रहा है वो अच्छा भी करके तो दिखाया नहीं, आज तक तो दिखाया नहीं अच्छा करके, बर्बाद क्यों कहेंगे हम फिर। तो आपको क्या लगता है कितने बदलाव जो है वो मौजूदा सरकार के द्वारा किए गए हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस उत्तर प्रदेश? बहुत अच्छा बदलाव है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा बदलाव। 2027 में हम आएंगे तो हम गोरखपुर में बुलडोजर चला देंगे। कुछ नहीं करेगा अखिलेश आके, क्या करे, बुलडोजर चल नहीं सकता है, वो तो बोलने का बोल देता है लेकिन चलाएगा कुछ नहीं कर पाएगा अखिलेश, कुछ नहीं कर पाएगा अखिलेश। योगी ने कहा कि यही बोल रही है बस, हार फेंकेगी जनता 27 में योगी। बादल जितना बरस गरजता है उतना बरसता नहीं है, वही अखिलेश वही है जो गरज रहा है, बरसेगा नहीं, बरसेगा नहीं। तो नहीं लगता कि सर बदलाव करके अगर राहुल अखिलेश को मौका दिया तो योगी सरकार से बढ़िया शासन चला सकते हैं? बिल्कुल बढ़िया चला सकते हैं। कौन चला सकता है? योगी, योगी हैं। हाँ, क्यों चाहिए योगी उत्तर प्रदेश में, कोई और नहीं? योगी हम लोग उत्तर प्रदेश आने के बाद योगी हम लोग को बहुत देखते, योगी अच्छा कहीं कर रहा है, खराब नहीं कर रहा है। योगी योगी इतना तो संत है, वो राजनीति में क्यों आए, मुख्यमंत्री क्यों? हम आदमी है, अगर हम यहाँ से क्या विदेश में नहीं रह सकते हैं या अपने घर में ही कंपनी खोल के काम कर लेते हैं? इंजीनियर डॉक्टर घर में ही बनते हैं या कहीं और जाके बनते हैं? योगी है तो क्या है? ये भी आरोप लगता है कि हिंदू मुसलमान बहुत करते हैं योगी दत्तनाथ, थोड़ा सा लगता है, लगता है थोड़ा सा। हाँ, ये तो कर लगता है। हिंदुओं की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया बढ़िया चल रहा है, एकदम बढ़िया बढ़िया चल रहा है। हाँ, योगी दत्तनाथ कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया, एकदम बढ़िया काम। नहीं लग रहा कि डराया जा रहा बुलडोजर से योगी दत्तनाथ? नहीं, एकदम बढ़िया बढ़िया काम चल रहा है, बढ़िया काम चल रहा है। यस, चलिए। मेरा नाम तो पिंटू कुमार। विपिन जी, ये बताइए उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल सही चल रहा है या बंद होना चाहिए? नहीं, अभी तो पता नहीं, सही बढ़िया काम कर रहे हैं या नहीं? नहीं, वो तो सही करते हैं, बढ़िया कर रहे हैं। हाँ। क्या नाम है सर आप? मैं जो योगी दत्तनाथ की सरकार है उसके बारे में क्या कहेंगी, ओवरऑल आपको कैसा काम लगता है सर योगी दत्तनाथ? क्योंकि हम लोग बिहार के हैं। अच्छा, बिहार से? हाँ, बिहार से है। अच्छा है। हाँ, कैसी सरकार चल रही है नीतीश कुमार? क्या मैं बताऊँ, जो है सो ठीक ठाक चल रहा है, जो भी है ठीक ठाक चल रहा है। चलिए कुछ और लोगों से बात। क्या नाम है सर आप? दीजिए, आप मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई चलती रहनी चाहिए या बंद हो जानी चाहिए? बंद होनी चाहिए। क्यों बंद हो? बंद होनी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो बिल्कुल सही बोला है। क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने? जो बोला सुप्रीम कोर्ट ने तो एफिडेविट की तारीफ की। नहीं, उसने सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है भाई, अगर कोई अपराध करता है ना तो ये मकान तोड़ने का तो कोई तुक ही नहीं बनता। कहा एफिडेविट जो दाखिल किया गया था सरकार का उस पर भी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियम कानून। एक बात बताऊँ, मैं तो ये कह रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है, सुप्रीम कोर्ट का तो वर्डिक्ट ही नहीं आया ना सर अभी तक। तो मैंने उसमें आया है, ऐसी बात नहीं, आप यानी मेरे से मुंह से निकलवा रहे हो। मेरे कहने का मतलब है चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कानून में ये है कि भाई ऐसा है कि जिसने जो अपराध करा है ना उसको सजा मिलनी चाहिए। बात ये भी है ना कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एफिडेविट दाखिल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी तो लिखा था कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो कानून के तहत, उस पर भी तो तारीफ की थी सुप्रीम। मैडम, मैंने जो तारीफ करी हो वो बात अलग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला। आपने पढ़ा ही नहीं? मेरी बात सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला। एफिडेविट में क्या लिखा था सर? मैडम, मेरे को नहीं पता, मेरे को सुप्रीम कोर्ट का जो है ना जो डिसीजन आया था, डिसीजन नहीं आया अभी तक, मामला विचाराधीन। जो टिप्पणी करी है ना उधर, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है। फाइनल डिसीजन नहीं आया अंकल जी। क्या नाम है आपका? जो सरकार काम कर रही है बढ़िया कर रही है बुलडोजर पर, क्या बोलेंगे कि बुलडोजर बंद होना चाहिए या ठीक? सही चल रहा है मैडम। हाँ जी, क्यों लगता है आपको कि बुलडोजर से कार्रवाई सही? आपको कैसे लग रहा है जो गलत चल रहा है ये बताइए। देश ने कहा गलत चल रहा है, राहुल ने कहा गलत, इसको कहने का काम है। जो भी विपक्षी पार्टी आती है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, वो तो एक दूसरे को बुरा दिखाते हैं, नीचा दिखाते हैं। हाँ जी, 2027 में हमारी सरकार आएगी तो हम गोरखपुर में बुलडोजर चलाएंगे। चलाने दीजिए, यहाँ से योगी आते हैं। हाँ जी, बोलने दीजिए मैडम। हाँ, लगता है आपको ओके 27 में योगी को हटाकर जनता अखिलेश को चुन सकती है? वो तो 27 में ही पता चलेगा। हाँ, अभी से मूड क्या आपको लगता है कि योगी सरकार ने बढ़िया काम किया है उत्तर प्रदेश? तो करते ही है मैडम, करते हैं तभी तो दिख रहा है, आपको भी पता होगा, सबको पता है ये। हाँ जी, जनता खुश है उत्तर प्रदेश? हाँ जी, जनता खुश है। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में बुलडोजर ही चल रहा है, बस काम नहीं हो रहा। काम होता है तभी तो बुलडोजर चलता है, काम नहीं हुआ तो बुलडोजर चलेगा कैसे? यही बात है, बुलडोजर गरीबों के ऊपर चला रहे हैं और एक ही धर्म के लोगों के ऊपर चला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कैसे आप कह रहे हैं जो एक धर्म के ऊपर चल रहा है?
अखिलेश यादव का आरोप। बोलने का बोलने दीजिए, विपक्षी तो बोलता है, ये विपक्षी नहीं रहेगा तो पक्ष वाले कुछ नहीं करेंगे काम। 12 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाले व्यक्ति मोहित खान के घर पे बुलडोजर चलता तब भी इस तरीके की बात की जाती है। बलात्कार का तो आप बात उठा रहे, छोटे छोटे कपड़े पहनते उस पर तो कोई रोक नहीं लगता, उस पर भी तो रोक लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? 12 साल की बच्ची का रेप, उसने कौन से छोटे कपड़े पहने? वो तो 12 साल के, चलिए गलत है, लेकिन आज ही तो नहीं हो रहा, पहले भी हो रहा था। जिस बार डॉक्टर के साथ हुआ उसने कौन से छोटे कपड़े पहने? बंगाल का उतना पता नहीं मैडम, बिजनेस करते हैं उतना, यदि न्यूज देखते तो हम आपको। कपड़ों को लेकर सवाल उठाया तो ये चीज़ होनी चाहिए ना? हाँ, बाद बाकी हम लोग तो काम करने वाले आदमी है। नहीं भैया, पर सोच फिर भी थोड़ी सी बदलनी चाहिए।